नमस्कार, अपनी चोरी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई भी आदमी या औरत शादीशुदा होने के बावजूद और बिना तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ले तो उसके क्या परिणाम होते हैं। ये हमारे समाज की मान्यता है कि शादी लाइफ में एक ही बार होती है और हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग किसी को भी, चाहे वो आदमी हो या औरत, उसे शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं है। वो तभी दूसरी शादी कर सकता है जब उसने अपनी पहली पत्नी या पति से तलाक ले लिया हो या उनकी मृत्यु हो गई हो। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो ये गलती कर लेते हैं, तो उनके लिए जानकारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी आदमी या औरत अपने लिविंग स्पाउस के रहते और उसको तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ले तो दूसरी शादी बिल्कुल भी वॉइड मानी जाती है, मतलब ऐसे जैसे कि वो शादी हुई ही ना हो। हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग इस तरह की दूसरी शादी को बाइगैमी माना जाता है और बाइगैमी के लिए सेक्शन 494 एंड सेक्शन 495 आईपीसी में सजा का प्रावधान है। बाइगैमी आदमी और औरत दोनों पर लागू होता है। ये तो हुई बाइगैमी और वॉइड मैरिज की बात। अब हम बात करते हैं कि इस तरह की शादी का सोशल इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे पहला इम्पैक्ट है कि सोसाइटी कभी भी इस तरह की शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। कपल को, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, उनको लीगली वेडेड हस्बैंड या वाइफ का दर्जा कभी भी नहीं मिलता। वो हमेशा सेकेंड मैरिज ही कहलाती है। इस मैरिज के अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सक्सेशन का राइट। ना तो दूसरी मैरिज से हुए पति को या दूसरी मैरिज से हुई पत्नी को सक्सेशन का राइट अपने हस्बैंड या वाइफ की प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी नहीं मिलता। लेकिन अब हम बात करते हैं उस शादी से हुए बच्चों की। बच्चे पूरी तरह से जायज होते हैं, वो लेजिटिमेट होते हैं। उनका भी अपने पिता या माता की प्रॉपर्टी पे, संपत्ति पे उतना ही अधिकार होता है जितना पहली शादी से हुए बच्चों का होता है, क्योंकि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं होती है। हमारे लॉ में इसको बच्चे की ज़िंदगी को लेके बहुत ही ज़्यादा अहम, बहुत अच्छी तरह से सोचा गया है। इसलिए यहाँ पे सक्सेशन में और जो भी फादर की प्रॉपर्टी है या मदर की प्रॉपर्टी है उसमें बच्चे को इक्वल राइट दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन इसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। पहली वाइफ और हस्बैंड जो हैं वो केस फाइल कर सकते हैं। कई केसेस में अगर दूसरी शादी सही नहीं चल रही है, दूसरी शादी वाले भी जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो भी इसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। और उससे बड़ी चीज़, ये डिवोर्स का बहुत बड़ा ग्राउंड होता है पहले हस्बैंड और पहले वाइफ के लिए। अगर किसी के हस्बैंड ने पहली बीवी के रहते हुए दूसरी शादी कर ली है और उस वाइफ को ये पता चल जाता है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा ग्राउंड होता है डिवोर्स का। उसमें उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती है, वो डायरेक्टली इस ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकती है। अगर इससे जुड़ी हुई किसी भी तरह की जानकारी आपको हमसे चाहिए तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।